एक इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर से आप गायब थे। मोदी जी सिर्फ अपने आप को भगवान मानने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा है। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार होने के बावजूद इस सरकार के अंदर हिंदू खतरे में है। क्यों खतरे में है? जब हिंदू हृदय सम्राट जब पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तो भी हिंदू खतरे में क्यों है? क्यों नहीं है सुरक्षित हिंदू? आप बताइए, रेबड़ी बांट रही है। मतलब कोई गवर्नमेंट अगर अपनी जनता को अच्छी सुविधा दे रही है तो वो रेबड़ी बांट रही है। आपकी बस की तो हुआ नहीं, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं जो मैं सुनना चाहता हूं वही सुनाओ, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची। ये देश राजतंत्र के अंदर तब्दील कर दिया मोदी जी ने, कि इतना तो झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में जितना रुपया गिर गया इस मोदी सरकार के अंदर। कहां सो गया? पेट्रोल डीजल के दाम कम करने आए थे, इतने कम कर दिए कि लोगों के पसीने छूट गए। हटाया और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी को भी जनता ने बनाया और बीजेपी को हटाने वाली भी जनता होगी। सामने जो है ना एक और शेर खड़ा, इसलिए विपक्ष के पेट में दर्द मरोड़ रहा है। आप एक बात देखिए, हाँ। वो कोई शेर नहीं है। अगर वो इतना ही बड़ा शेर होता तो जाके चाइना को लाल आग दिखाने की कोशिश करता। जोसलेबाजी करना बंद कर दो, 8 साल से तुम लोग बैठे हो और 8 साल के अंदर तुम लोगों ने क्या कर दिया और क्या किया है ये सब जनता जानती है। पंडित मोहित जी मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं कि आज सर्वदलीय बैठक के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से गायब रहे, क्या कुछ देखते हैं, कैसे देख रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए मोदी जी एक दिव्य पुरुष हैं, वो हो या ना हो ठीक है, और वो ऐसे दिव्य पुरुष हैं और देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पाते और विपक्ष के जो सवाल हैं, जो विपक्ष जो सवाल करना चाहता है उनसे, वो उस बैठक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कल आएंगे सदन के अंदर या जब भी आएंगे सदन के अंदर तो वो यही चाहेंगे कि विपक्ष को कैसे ना कैसे करके गुमराह किया जाए, इस देश की जनता को कैसे ना कैसे करके बर्बाद किया जाए। देश की अर्थव्यवस्था तो इन्होंने ख़त्म कर दिया और उसके बावजूद मोदी जी आके फिर एक जुमला नहीं बोल सकते, बैन है ना। आप उनका विरोध नहीं कर सकते हो, अब आप उनके लिए कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे दिव्य पुरुष बन चुके हैं कि उनके कहने से ही चीजें चलेंगी और उनके कहने से ही चीजें होंगी जो वो चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं। आज मोदी जी मौजूद नहीं रहे हैं, उसमें पक्ष विपक्ष के नेता दोनों मौजूद रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो गए यार, क्या आप? मैं कह तो रहा हूं प्रधानमंत्री जी एक दिव्य पुरुष है। दिव्य पुरुष का अर्थ जानते हैं ना, कि वो कहीं पे भी होंगे, कहीं पे भी बैठे होंगे, उनके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज चल रही होगी जिससे अंधभक्त खुश हो जाएं और जिससे उनके जितने भी जो आपका मोदी मेनिया के जो लोग हैं वो खुश हो जाएं। मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ इतना काम करते हैं, इतनी अपनी वाहवाही करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ जनता को परोसते हैं कि मोदी जी 18-18 घंटे की मेहनत करने के बावजूद भी इस देश की अर्थव्यवस्था को सही नहीं कर पाते, ना महंगाई को कंट्रोल कर पाते, और जब इस देश का विपक्ष आपसे सवाल करना चाहता है तो आप उनके साथ हीन भाव की राजनीति करते हो। आप उनको नीचा दिखाने के लिए अब तो आप शब्द नहीं बोल सकते, अब मोदी जी को शब्द भी नहीं सुनने पसंद, अपना विरोध भी नहीं पसंद, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं जो मैं सुनना चाहता हूं वही सुनाओ, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची। ये देश राजतंत्र के अंदर तब्दील कर दिया मोदी जी ने। देखिए सवाल यह है कि कुछ दिन पहले ही तो ये भी फरमान जारी किया गया था कि जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं संसद के अंदर में, तो फिर क्या लगा फिर मन में? देखिए ये तानाशाह सरकार है, ये अपने बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, ये सिर्फ अपनी बढ़ाई सुनना चाहती है। अगर देश का जो रुपया है डॉलर के बराबर में अगर गिर रहा है तो ये देश के अंदर इनके लिए बहुत सही बात है ठीक, और इनके अंधभक्त लोगों के लिए बहुत सही बात है। किंतु सन 2014 से पहले जब ये गिरता था तो मोदी जी खुद आके कहते थे कि अगर इस देश का रुपया खिसक रहा है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदार है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। पर आज क्योंकि 2014 के बाद एक ऐसा मोदी जी ने देश बनाया जो आज से पहले आज़ाद ही नहीं था, 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है, और जो मोदी जी करें वो अच्छा है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा है। और मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इतना तो झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में जितना रुपया गिर गया इस मोदी सरकार के अंदर। लेकिन ये जो शब्द बताए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से बैन लगा दिए गए हैं, कोई बोल नहीं सकता है, और इसी बीच में जब प्रधानमंत्री मोदी जी कल जो है एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं और रेवड़ी संस्कृति की बात करते हैं, तो फिर इस मुहावरे को आप कैसे समझते हैं?
आप एक चीज देखिए, प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल लेके आए थे इस देश के अंदर कि मैं गुजरात मॉडल लेके आ रहा हूँ। गुजरात मॉडल की जो असलियत है, जो हकीकत है, आजकल मीडिया के अंदर खूब दिख रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रही है कि वहां की रोडों की क्या हालत है। जब उनके मित्र आए थे, ट्रंप आए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी वाले मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी दिखाते कुछ है, करते कुछ है और बोलते कुछ है, उनको सच के सामने उनका कोई वो नहीं है, ठीक है। और दूसरा, आपने रेवड़ी वाली बात करी, आपके लिए पेंशन हो सकती है, आपके लिए 10 लाख का सूट हो सकता है, आपके लिए आप हवाई जहाजों में घूम सकते हो, आप अपने सांसदों को पेंशनें दे सकते हो, हर चीज दे सकते हो, पर अगर इस जनता को अगर शिक्षा, बिजली, अगर आपका पानी अगर फ्री मिल रहा है, तो इनको ये लग रहा है रेबड़ी देने का कार्य कर रहे हैं। अरे मोदी जी, होश में आ जाओ, अब तो जाग जाओ, आपके 8 साल हो गए, पिछली सरकारों को कोसना बंद कर दो और आगे की नीतियां बनाने की कोशिश करो विपक्ष के साथ। आप विपक्ष को कहां मानते हैं? इस देश का नया सांसद भवन बन रहा है, उसकी अभी पूजा हो रही थी। क्या देश के विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, कुछ 4-5 जो बड़े नेता हैं, उनको बिठाना क्या मोदी जी का फर्ज नहीं था, कर्तव्य नहीं था? लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं सरकार स्तर पे जो भी कामकाज हो सकते थे वो सरकार कर रही है। क्या कर रही है? क्या 150 रुपए का जो सिलेंडर बिक रहा है ये कर रही है सरकार? क्या कर रही है सरकार? 80 रुपए का डॉलर, आपका 80 रुपए का एक डॉलर हो गया, क्या सरकार ये कार्य कर रही है? सरकार कर क्या रही है? सरकार क्या जो आपका GST, जो गब्बर सिंह टैक्स है, जो इतना थोप दिया है लोगों के ऊपर, क्या कर रही है सरकार? सरकार कहाँ सो रही है? पेट्रोल डीजल के दाम कम करने आए थे, इतने कम कर दिए कि लोगों के पसीने छूट गए। सरकार इतना मेहनत, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो वाहवाही कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोई सांसद नहीं हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ, मोदी जी आप जुमलेबाज हैं। गुजरात मॉडल का आप जिक्र कर रहे हैं, गुजरात मॉडल में क्या कमी आई जरा बताइए तो हमको। क्यों? रोड झज्जर पड़ी है बाकी, वहां पे अभी बारिश हुई, बारिश होने में पूरी रोड की हालत और खस्ता खस्ता देख लो आप, ठीक है। आप गुजरात मॉडल के अंदर शराबबंदी की बातें करते हैं, वहां पे शराब खुलेआम बिक रही है, ठीक है। गुजरात मॉडल में क्या है? आपने देश को गुजरात मॉडल दिखा के आपने देश को फूल बनाया है, आपने देश को फूल बना दिया, और ऐसा फूल बना दिया कि मोदी जी जो चाहते हैं और उनके जो चंद्र मित्र, जो उनके जो चंद्र मित्र हैं, वो जो चाहते हैं वो उनके हिसाब से, बाकी जनता अपनी अपनी अर्थी खुद ही उठाए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी सरकार को ये कहना है, मोदी जी ने कहा है, एक सवाल यहाँ पर आया है कि पुरानी सोच को पीछे छोड़कर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक बात देखिए, नए तरीके से कैसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बापू के देश में बापू को गाली, ठीक है, बापू के देश में बापू को अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग इनके नेता बन सकते हैं, ठीक है। वीर सावरकर को पूछने वाले लोग इनके नेता बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, पर मोदी जी पिछली बातों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जी पिछली बातों को तो इस हिसाब से भूल चुके हैं कि उनका बैठा हुआ पिट्ठू जो संबित पात्रा है, वो पूरे दिन बैठ के पिछली बातें, पिछली सरकारों की गलतियां दिखाता रहता है। अरे पिछली सरकारों में ये हुआ, अरे पिछली सरकार, अरे क्या अब भी पिछली सरकारों का दोष है कि जब 80 रुपए का डॉलर हो गया है, क्या ये भी पिछली सरकारों की देन है? मोदी जी जब आपने इस गद्दी संभाली थी तो उस टाइम पे 65 रुपए का डॉलर था। और काम करे विरोध करना है बस, देखिए आपकी जो काम करे विरोध करना है बस। सवाल मेरा ये है, बात थोड़ा समझ लीजिए पंडित जी, सवाल मेरा ये है कि पहली बात तो आप पंडित हैं, तो आप पहले बात तो विरोध इतना क्यों करते हैं? क्योंकि लोग ये सवाल उठाते हैं कि कल को फिर जो आप वही समर्थन करने लग जाएंगे, तो सबसे पहला सवाल थोड़ा दर्शकों के जवाब दीजिए पहले मेरा। देखिए सब जो वो करते हैं, हृदय सम्राट की सरकार बताया जाती है ना। देखिए देखिए ये सब बेकार की जो भुगलाने की बातें ये ना करिए, ठीक है। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार होने के बावजूद इस सरकार के अंदर हिंदू खतरे में है। क्यों खतरे में है? जब हिंदू हृदय सम्राट जब PM की कुर्सी पर बैठे हैं तो भी हिंदू खतरे में क्यों है? क्यों नहीं है सुरक्षित हिंदू? मैं तो सवाल करता हूँ सीधे सरकार से, क्यों नहीं है हिंदू सुरक्षित? आप क्यों हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? क्यों हिंदुओं के नाम पर इस देश को, इस देश के जो हिंदू हैं उनको, उनकी छवि को इतना धूमिल कर दिया आपने, इतना एक एग्रेसिव वो कर दिया है आपने, एक नया हिंदुस्तान ऐसा बना दिया, आदमखोर हिंदुस्तान बना दिया आपने। जैसे आपने वो शेर अशोक जो चक्र है, अशोक जो स्तंभ है, ठीक है, उसके शेर की तरह आपने इस देश का, शेर की आप बात कर रहे हैं, लोग बात तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष, एक मिनट मेरी बात सुनिए, विपक्ष के पेट में इसलिए मरोड़ उठ रहा है कि 4 मुंह वाला शेर के सामने जो है ना एक और शेर खड़ा है, इसलिए विपक्ष के पेट में
दर्द मरोड़ रहा है। आप एक बात देखिए, वो कोई शेर नहीं है। अगर वो इतना ही बड़ा शेर होता तो जाके चाइना को लाल आग दिखाने की कोशिश करता। जो कहते हैं कि मैं लाल आके दिखाता हूँ, मैं लाल आके दिखाता हूँ, कौन सी लाल आके दिखा रहे हो आप बताइए? रेबड़ी बांट रही है। मतलब कोई गवर्नमेंट अगर अपनी जनता को अच्छी सुविधा दे रही है तो वो रेबड़ी बांट रही है। आपके बस की तो हुआ नहीं, आप लोगों को अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सको। पर हाँ, आप अगर दूसरी अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो आप उसकी चीज को कमियां दिखाओ। और मोदी जी से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से और अंधभक्तों को भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकारों को कोसना बंद कर दो, ढकोसलेबाजी करना बंद कर दो। 8 साल से तुम लोग बैठे हो और 8 साल के अंदर तुम लोगों ने क्या कर दिया और क्या किया है ये सब जनता जानती है। महंगाई की मार आपने दी, ठीक है, इस देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया, इस देश के अंदर इतना जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ठप कर दी, चौपट पड़ी है, चमराई पड़ी है हमारी अर्थव्यवस्था, इस देश के अंदर बेरोजगारी आप लेके आए। पर हाँ, जब चर्चा शुरू होने वाली थी आप दिव्य पुरुष बन के कहीं ना कहीं की सैर कर रहे थे और आप एक इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर से आप गायब थे, जब विपक्ष भी आपके साथ बैठा हुआ था, जब आपके साथ सब दल के नेता आपके साथ बैठे हुए थे। पर मोदी जी सिर्फ अपने आप को भगवान मानने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा है। पर हाँ मोदी जी, आप एक बात कतई ना भूलें और बिल्कुल ना भूलें, हमेशा मोदी राज नहीं रहे। आपने इस देश का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल बेकार और गड़बड़ा दिया है। तो कुछ और कह रहे हैं कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 30 से 40 तक तो बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए अमित शाह जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अमित शाह जी, आपने क्या अमृत या सही में भगवान मान के बैठ गए हो? आप भगवान हो सकते हो, अंधभक्तों के हो सकते हो, आप कोई चाणक्य नहीं हो, आप एक फर्जी चाणक्य बन के घूम रहे हो, आप एक तानाशाही चला रहे हो, आप एक गुंडागर्दी चला रहे हो। जो स्थिर सरकार होंगी आप उनको तोड़ दोगे, आप उनको मोड़ दोगे। ये ना भूलिए कि कांग्रेस को भी जनता ने बनाया था, कांग्रेस को जनता ने ही हटाया। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी को भी जनता ने बनाया और बीजेपी को हटाने वाली भी जनता होगी। क्योंकि देखिए, जनता को कोई मतलब नहीं पड़ता, ना बीजेपी से फर्क पड़ता, ना कांग्रेस से पड़ता, ना समाजवादी से पड़ता, ना आरएलडी से पड़ता, किसी से कोई फर्क नहीं है। जनता को फर्क पड़ता है उसके निजी कामों से। आप जो वादे करके आए थे, मैं फिजूल की बातें नहीं करता, मुझे भी पता है कोई हिंदू खतरे में नहीं है। देखिए, एक आखिरी सवाल ले लेता समय का थोड़ा सा। दूसरा चीज ये है कि जो आज का जो माहौल, राजनीति जो हिसाब किताब चल रहा है, वो एक स्वतंत्र जो है, स्वच्छ लोकतंत्र पे जो है, मतलब बन नहीं पाएगा। तो ये सब चीजों को लेकर देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो इन लोगों ने कर रखी है और करते आ रहे हैं पिछले 8 साल से कर रहे हैं। और देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, यही हाल रहेगा। देखिए, मोदी जी है मुमकिन तो है, मैं तो कह रहा हूं मोदी जी है मुमकिन है, और ये मुमकिन ही रहेगा। क्योंकि मोदी जी असल में अपना विरोध नहीं सुनना चाहते, मोदी जी अपनी गलती एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। मोदी जी करते हैं, आएंगे, उठेंगे, सुबह फरमान सुना देंगे, ठीक है, उठेंगे सुबह जो मन में आया वो बोल के चले जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद आके माफ़ी मांग लेंगे। सोचते हैं जनता पागल है, खाली है, और जनता हकीकत में खाली है। रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे हो, जनता को आप मूर्ख बना लो। और देखिए, CGI के जो बयान दिया है उन्होंने, बिल्कुल सही बयान दिया है। आप विपक्ष को, आप विपक्ष की जो भूमिका है आप उसको ख़त्म नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप देश को, जो लोकतंत्र से चलता है, इस देश का जो ढांचा है, आप उस स्ट्रक्चर को तोड़ चुके हो। आप अगर आपको देखिए, पहले सरकारें होती थी विपक्ष से पूछती थी, विचार करती थी, विश्रम करती थी कि कोई भी बिल लेके आ रहे हैं हम, कोई देखिए कोई भी कानून लेके आ रहे हैं, कोई भी बिल लेके आ रहे हैं, तो पहले की सरकारें चर्चा करती थी बैठ के, चाहे वो अटल बिहारी जी के टाइम में हो। अटल बिहारी वाजपेयी से भी पूछा जाता था कि ये बिल सही रहेगा, देश हित में है या नहीं है। पर आज के समय में मोदी जी की तो नाक झुक जाती है किसी से बात करने में, विपक्ष के नेता से बात करने में, क्योंकि वो अपने आप को एक ऐसा दिव्य पुरुष मान के बैठे हुए हैं जो कि सरासर इस देश के लिए और इस देश की भविष्य के लिए बिल्कुल खराब है, घोर निंदनीय है। चलिए, हमारे साथ जो है पंडित मोहित जी मौजूद रहे, और काफी युवा जो है एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के तौर पर भी लगातार काम करते रहते हैं। तो इन सब ने सोचा कि क्यों ना बात विचार कर लिया जाए, क्योंकि जो आज सर्वाधिक बैठक हुई है जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उसके अंदर सम्मिलित नहीं हुए थे। विपक्ष नेता लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार भी जो है सम्मिलित नहीं हुए, और उससे पहले ही जो है बताया जा रहा है कि मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, और उससे पहले कई सारे ऐसे फरमान जारी हुए हैं जिसको लेकर के विपक्ष नेता तमाम सवाल जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए सो न्यूज़, धन्यवाद।